हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट आज का है हमारा बेनिफिट्स ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके मीन्स सीएसआर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम बिजनेस में सीएसआर लाना चाहते हैं, ठीक है, क्या नीड्स है उसकी, क्या बेनिफिट्स हैं, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके देखो दी बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर आर, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेटर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मीन आपके जो ब्रांड है उसको एक पहचान मिलती है, ठीक है। सीएसआर से क्या होता है, सीएसआर अप्लाई करने से आपके एक ब्रांड को एक बेटर रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। सेकंड पॉजिटिव बिजनेस रेपुटेशन होती है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन मीन आपके जो बिजनेस के जो भी हमारा जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है वो पॉजिटिव में जाती है। ओके थर्ड है हमारा इंक्रीज्ड सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। ओके आपकी सेल इंक्रीज होती है और आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है, मीन आपके कस्टमर का जो मतलब जो लॉयल है हमारा वो इंक्रीज होता है। ओके ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग, ठीक है, कॉस्ट जो हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसकी सेविंग होती है हमारी, ठीक है। और बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है, ठीक है, मीन हमारा वो ग्रोथ पोजीशन में दिखाएगा, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी अच्छी होगी अगर हम सीएसआर अप्लाई करते हैं। ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड रिटेन स्टाफ। ओके क्या होगा कि हम अपने टैलेंट को अट्रैक्ट कर, हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी होगी कि हम अपने टैलेंट मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं टैलेंट एंड अपने स्टाफ को, ठीक है। तो जो हमारा स्टाफ है मतलब वो हमारा एक तरह लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास जो है बाइंड हो सकता है, ठीक है, अगर हम सीएसआर अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को सारी हमारी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेंगे, हमारे पास रहेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी होगी, ठीक है, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ईजियर एक्सेस टू कैपिटल। ओके आपको अगर बिजनेस में कैपिटल अगर ठीक है अगर रिक्वायर्ड है, एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड है तो आपको वो ईजियर तरीके से मिल जाएगा अगर आप सीएसआर अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट दी फिलॉसफी ऑफ बिजनेस कंसीडर्स दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड अंडरलाई दी फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज दी नेचर एंड पर्पस ऑफ अ बिजनेस। ओके फिलॉसफी क्या है बिजनेस की स्टूडेंट, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं उसमें अंडरलाई करते हैं, फॉर्मुलेट एंड ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज को। ओके नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के, अब देखो एग्जांपल के लिए मान लो इट इज़ प्राइमरली प्रॉपर्टी और अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट्स रोल इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में क्या इसका रोल होता है, एंड दी मोरल ऑब्लिगेशन दैट पर्टेन टू इट। दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाई थ्री इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ दी फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो मीन हमारी बिजनेस फिलॉसफी हमारी तीन हमारे पॉइंट्स में इंटर रिलेट होती है। फर्स्ट हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सेकेंड हमारा रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी, एंड थर्ड मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके तो देखो स्टूडेंट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इट वॉज ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन, आपके बिजनेस का क्या नेचर है वो ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो आपके प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन है। ओके विच ओनली एक्सिस्ट टू अर्न प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, जो किसी भी कॉस्ट पे आपको प्रॉफिट अर्न करके देती है, एंड इट्स एंटिटी इज़ एंटायरली डिफरेंट, उसकी जो एंटिटी है बिल्कुल अलग है, मीन बिजनेस की जो एंटिटी है बिल्कुल अलग है, एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और वो क्या है इंडिपेंडेंट है अपनी सोसाइटी से, मतलब सोसाइटी से क्या है बिल्कुल अलग है, उसकी एंटिटी बिल्कुल अलग है हमारी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी, ठीक है, रोल ऑफ बिजनेस सोसाइटी में क्या है, इट्स ओनली पर्पस इज़ टू क्रिएट वैल्यू फॉर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ये केवल ये पर्पस जो है क्रिएट करता है हमारे मेंबर ऑफ द सोसाइटी के लिए, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड थ्रू दैट कैन दैट अर्न प्रॉफिट। ओके मीन हमारा इसका पर्पस क्या होता है कि हमारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, कैसे, प्रोड्यूसिंग गुड्स करके एंड सर्विस करके, ओके टू अर्न, ठीक है, एंड थ्रू दी अर्न प्रॉफिट करके। ओके इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ अदर सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। ओके ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो हमारे वो अदर सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न को वो क्या करते हैं टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ द बिजनेस इन सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए हमारा, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा मोरल ऑब्लिगेशन फॉरवर्ड सोसाइटी, देखो इट हैज़ नो एक्स्ट्रा मोरल ऑब्लिगेशन सिंस,
ओके मीन हमारा एक्स्ट्रा मोरल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए सिंस इज डिस्चार्ज इट्स एंटायर ऑब्लिगेशन बाय कंपनसेटिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थ्रू प्राइस मैकेनिज्म इन अकॉर्डेंस विद दियर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन. ओके मीन मोरल ऑब्लिगेशन क्या होना चाहिए सोसाइटी के लिए आपका होना चाहिए. ठीक है आपका मतलब कोई एक्स्ट्रा मोरल ऑब्लिगेशन नहीं लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो आप एक सर्विस की तरफ मतलब सर्विस की जो हमारे सोसाइटी है उनकी तरफ भी देखकर आपने आप अपनी सोसाइटी में अपने बिजनेस में अपना काम करेंगे. ओके चाहे वो प्राइस मैकेनिज्म हो ठीक है उनके प्रोडक्शन में मतलब कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन हो ठीक है तो ये सारा जो है हमारा ये हमारे बिजनेस क्या होते हैं हमारे ये हमारे इंटररिलेटेड होते हैं जो हमारे फिलॉसफी ऑफ बिजनेस में काउंट होते हैं. कौन कौन से फर्स्ट हमारा नेचर ऑफ बिजनेस सेकंड रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी थर्ड मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड सोसाइटी. ओके तो ये तीनों पॉइंट मिलके हमारे फिलॉसफी ऑफ बिजनेस हमारे बनाते हैं. ओके तो ये हमारा स्टूडेंट हमारे बेनिफिट्स ऑफ CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किया और हमने फिलॉसफी ऑफ बिजनेस किए तीनों पॉइंट. ठीक है तो आज ही मैंने कंप्लीट करा दिया टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. ओके थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय. ओके